Presented by Himalaya Pure Herbs. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स अश्वगंधा, जो बना है 100% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है। वक्त के साथ साइंस ने बहुत तरक्की की है। जो बीमारियां एक समय पर जानलेवा थी, उनसे बचने के लिए वैक्सीन बन गई। पर दिक्कत यह है कि वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी बहुत लोग इन्हें लगवाते नहीं, ना खुद को ना अपने बच्चों को। नतीजा, वो खुद तो बीमार पड़ते ही हैं, अपने साथ दूसरों को भी बीमार करते हैं और अंत में ये बीमारियां जानलेवा साबित होती हैं। नहीं, हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिप्थीरिया नाम की बीमारी की। हमें सेहत पर मेल किया वेद ने। वो एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं, बीमार बच्चों के साथ काम करते हैं। उन्होंने हमें इस टॉपिक से जागरूक करवाया। दरअसल डिप्थीरिया बच्चों को होने वाली एक बीमारी है और ये काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। अब इसे जान जाने का खतरा भी रहता है। इस बीमारी से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है वैक्सीन, पर इसके बावजूद कई लोग अपने बच्चों को इसकी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। वे ऐसे कई गांव और डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर चुके हैं जहां डिप्थीरिया के कारण बच्चों की मौत हो गई। इसलिए वो चाहते हैं कि हम डिप्थीरिया के बारे में लोगों को जागरूक करें, इस बीमारी से होने वाले रिस्क और बचाव के बारे में अपने शो पर बात करें। नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक साल 2018 में दिल्ली में 4 दिनों के अंदर 12 बच्चों की डिप्थीरिया के कारण मौत हो गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इन बच्चों को डिप्थीरिया की वैक्सीन नहीं लगी थी। वहीं साल 2020 में इंडिया में डिप्थीरिया के लगभग 3485 मामले सामने आए थे। जब हमने इस बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात की तो पता चला कि ये काफी खतरनाक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिप्थीरिया क्या है और ये कैसे फैलता है। डिप्थीरिया या गलघोंटू जनरली बच्चों की बीमारी होती है। आजकल इसका इंसिडेंस बहुत कम है, पूरे दुनिया में ही इसका इंसिडेंस कम है क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। डीपीटी का टीका जो कि बचपन में ही बच्चों को लग जाता है और बाद में बूस्टर डोज लगती है 10 से 11 साल की उम्र में, उससे इसका प्रिवेंशन हो सकता है और ये बूस्टर डोज प्रेगनेंसी में महिलाओं को भी दी जाती है। बीमारी सांस के रास्ते या हवा के रास्ते या व्हाट यू कॉल इट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। जैसे कि हम खांसते हैं या छींकते हैं तो जो ड्रॉप्स होती हैं वो हवा में सराउंडिंग हवा में चली जाती हैं और यही ड्रॉप जब दूसरा इंसान अपने सांस के द्वारा अंदर लेता है तो ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा अगर आप गंदे हाथों से, जिन हाथों पे आपकी सिक्रीशंस लगी हो नेजल या फिर ओरल, उनसे उन पे उनको किसी चीज़ से छुए और इसी चीज़ को कोई और इंसान छुए और अपने मुँह पे वो हाथ लगाए तो ये बीमारी फैल सकती है। बुखार आना, निगलने में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी होना, गले में स्वेलिंग होना या गले के ग्लैंड्स बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, एक्सपोजर के 1 से 10 दिन के बाद पेशेंट को सिम्टम आ सकते हैं और बीमारी बहुत दिन तक रह सकती है। देखने में या जांच करने में पेशेंट के नाक में और गले में ग्रे कलर का मेम्ब्रेन दिखाई देता है और उस मेम्ब्रेन से अगर हम स्वाब लें और उसको कल्चर के लिए भेजें तो उसमें इनका बैक्टीरिया जिसका नाम है कॉरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरियम ग्रो कर सकता है, जिससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। डिप्थीरिया आसपास के टिश्यूज को डैमेज कर देता है तो लंग फाइब्रोसिस या लंग इन्फेक्शन हो सकती है। ये खून के रास्ते हार्ट तक पहुंच सकता है और हार्ट की मसल्स को डैमेज कर सकता है, उसके कारण जो कि हम मायोकार्डाइटिस के नाम से जिस बीमारी को जानते हैं वो हो सकती है, जिसके कारण कि हार्ट का फंक्शन बहुत कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत या बार बार हार्ट फेलियर में जाने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ये किडनी को भी इफेक्ट कर सकती है। इसके कारण नर्व्स का डैमेज हो सकता है। नर्व्स का डैमेज होने के कारण गले की मसल्स वीक हो सकती हैं, जनरलाइज वीकनेस हो सकती है या पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है। सो ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक बीमारी है। जल्दी डायग्नोसिस हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एंटीबायोटिक्स जो कि सिंपल एंटीबायोटिक है जैसे कि पेनिसिलिन एथ्रोमाइसिन, ये इसके गेन इफेक्टिव होती है और इनसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। ये बीमारी बहुत आसानी से प्रिवेंट करी जा सकती है अगर वैक्सीनेशन टाइम पे ली जाए और अगर कोई लक्षण आए तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि जो बीमारी है 1 से 10% लोगों में फेटल हो सकती है, मतलब 1 से 10% लोगों की इसके कारण मृत्यु हो सकती है।
वैसे भी बीमारी का इलाज भी किया जाए प्रॉपरली तो भी उसका जो रिकवरी पीरियड होता है वो लंबा होता है। तो बीमारी से बचना आसान है, वैक्सीन के द्वारा बचा जा सकता है, या फिर नॉर्मल हाइजीन जो कि हम किसी भी वायरल डिजीज के लिए करते हैं, यहाँ तक कि कोविड के लिए करते हैं, उससे उस उतना भी अगर हम फॉलो करें तो भी इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। आपने डॉक्टर की बातें सुनी, डिप्थीरिया बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इलाज से आसान और बेहतर है बचाव, वो भी बेहद सिंपल, करना सिर्फ इतना है कि वैक्सीन लगवानी है। ये बच्चों को लगती है, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह लेकर अपने बच्चों को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आपकी स्किन पर लाल रंग के ड्राई पैचेस हो रहे हैं? ठंड के मौसम में हो जाइए सावधान। आपको रश्मि देसाई याद है? उत्तरन सीरियल में तपस्या का रोल करती थी, बिग बॉस सीजन 13 में भी आई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो सोराइसिस से जूझ रही हैं और ये भी बताया था कि इसकी वजह से उनको क्या क्या तकलीफ हो रही है। सोराइसिस एक बहुत ही आम स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन पर लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं। स्किन झड़ती है ठीक वैसे ही जैसे आपके सिर से डैंड्रफ गिरता है। हिंदुस्तान में कई लोग स्किन कंडीशन से जूझ रहे हैं। अब इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर अप्रितम ने। सोराइसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, साथ ही ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी है। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब है कि शरीर के सेल्स अपने ही खिलाफ काम करने लगते हैं। स्किन में लेयर्स होती हैं, यानी अलग अलग परत होती है। अब ये परत मल्टीप्लाई होकर झड़ती रहती हैं। नीचे नई स्किन बनती है और ऊपर की स्किन झड़ जाती है। अक्सर इसमें 30 से 35 दिन लगते हैं। जैसे बाल झड़ते हैं वैसी स्किन भी झड़ती है, बस आप इसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि स्किन के सेल्स बालों के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। सोराइसिस में यही प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, 28 या फिर 30 दिन के बजाय ये स्किन 7 दिन के अंदर ऊपर आ जाती है, इसलिए वो इतनी जल्दी झड़ नहीं पाती और स्किन पर जमा हो जाती है। सोराइसिस असल में आपके डेड स्किन सेल्स हैं जो स्किन के ऊपर आकर जमा हो गए हैं। ये कोहनी, घुटने या फिर स्कैल्प पर शुरू होते हैं। सोराइसिस ठंड के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है। स्किन को मॉइस्चराइज करें, आप तेल से भी मसाज कर सकते हैं जिससे आपकी त्वचा रूखी नहीं रहे। अगर वजन ज़्यादा है तो वजन कम करें, बैलेंस्ड खाना खाएं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से परहेज करें। अगर सोराइसिस माइल्ड है तो आप ओवर द काउंटर क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो या फिर कोल्टार हो। इसे इस्तेमाल करने से पैचेस जल्दी ठीक हो जाते हैं। स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम भी आप लगा सकते हैं जिससे लाल रंग के पैचेस जल्दी ठीक होते हैं, पर इन्हें केवल एक डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से आपका सोराइसिस ना कंट्रोल हो तब आप एक स्किन डॉक्टर के पास जाकर गोलियां ले सकते हैं और इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। अब जैसे डायबिटीज़ और थायराइड को हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हमेशा के लिए, वैसे ही सोराइसिस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक साल ट्रीटमेंट लें और ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे जानते हैं हल्दी का पानी पीने के फायदे। हल्दी अब ना ये सिर्फ आपके खाने को रंग देती है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप खाने में तो हल्दी डालते ही हैं, पर अच्छी हेल्थ के लिए इसको इस्तेमाल करने का एक और तरीका भी है, हल्दी का पानी। ऐसा दावा किया जाता है कि हल्दी का पानी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है और मौसमी बुखार से भी आपको बचाता है। इस पर और जानकारी लेने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से। हल्दी का पानी पीने से आपको गले में खराश, जुकाम और खांसी से छुटकारा मिलता है। इसे रात में सोने से पहले लें, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक केमिकल होता है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, साथ ही इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी आपकी सेहत के लिए अच्छी है। जब हल्दी को पानी के साथ लिया जाता है तो ये आपका हाजमा ठीक करता है और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है, नतीजा आपको मिलती है वेट लॉस में मदद। हल्दी का पानी स्किन के लिए भी अच्छा है और शरीर में हानिकारक केमिकल्स को निकालने में मदद करता है। अभी हल्दी का पानी आपको इस्तेमाल कैसे करना है, एक छोटा पैन लीजिए, इसमें एक कप पानी डालकर बॉयल कर लीजिए। दो चुटकी हल्दी डालिए, एक से दो मिनट के लिए इसे बॉयल होने दीजिए। पानी को छान लीजिए और इसे गुनगुना पीजिए। आप चाहें तो टेस्ट के लिए इसमें शहद भी डाल सकते हैं, पर अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है तो शहद डालना अवॉइड करें। डाइटिशियन सुनीता का कहना है कि अगर आप हल्दी पाउडर के बजाय कच्ची हल्दी अदरक की तरह ग्रेट करके यानी पीस करके पानी में डालें
और फिर उसे उबालकर छानकर पिए तो वह ज्यादा फायदेमंद है, ठीक वैसे ही जैसे आप अदरक की चाय बनाते हैं। इसे आप खाली पेट सुबह ले सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।